सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज लोकसभा में द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ तरमीमी बिल 2023 की शदीद मुखालिफत की। ओवैसी ने लोकसभा में इस बिल पर बहस करते हुए मरकज पर इल्जाम आयद किया कि वो इस बिल के जरिए चोर दरवाजे से मुल्क में एनआरसी को लागू करना चाहती है। उन्होंने द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ तरमीमी बिल 2023 को गैर जरूरी करार दिया। सर, इंफॉर्मेशन कलेक्ट अंडर आरपीआई एक्ट, आधार एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी, पासपोर्ट एक्ट, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट इज ऑल कलेक्टेड फॉर दैट पर्पस अलोन। इंटरलिंकिंग एंड सेंट्रलाइजिंग सर डाइवर्स डेटाबेस वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ पर्पस लिमिटेशन विच इज एट द हार्ट ऑफ द राइट टू प्राइवेसी। सर, द टेस्ट लेड डाउन इन पुटोस्वामी रिक्वायर्स दैट देयर मस्ट बी अ स्टैट्यूट फॉर एनी स्टेट एक्शन दैट इन्फ्रिंजेस ऑन द राइट टू प्राइवेसी। एनपीआर नो स्टैट्यू एग्जिस्ट। Citizenship Act 1955 has no reference to any popular registration. This is backdoor NRC, sir, and it is completely unconstitutional. The government must first tell us when is the census going to happen. Linking of the proposed national database under RBD Act with electoral rolls is fraught with constitutional impropriety, and there is likelihood of such data being used for targeted disenfranchisement, voter suppression, and some electoral consultant, whether it is